गोवा से है, ये प्रश नितिन जी का है और ये होम लोन की जो तमाम ऑफर्स हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया है इनको लोन की रिक्वायरमेंट भी है। आपका स्वागत है नितिन साहब। आपने जिस तरह से बताया ये आप होम लोन लेना चाह रहे हैं, ये आप हमें बता पाएंगे आपका खुद का काम है या आप कहीं पर काम जॉब करते हैं? आप लाइन पर हैं इस समय मिस्टर नितिन? इनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की हम कोशिश करेंगे, ये इस समय लाइन पर थे, लग रहा है इनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया है। आप प्लीज बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं नितिन साहब? लग रहा ड्राइव कर रहे हैं ये कुछ समय, बट हम इस पर इनको राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। जो इनका ये प्रश्न है, इन्होंने स्पेसिफिकली जिस तरह से मेंशन किया है होम लोन की रिक्वायरमेंट है, अब इनका अगर ये कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहां पर सैलरी अकाउंट है या कैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, या पहले कभी लोन लिया है या अभी कोई रनिंग लोन है, स्मूथली चल रहा है नहीं चल रहा है, हम इनसे और डिटेल्स अभी नहीं चेक कर पाए हैं, लेकिन समहाउ जो हमारे पास सीमित डिटेल्स स्क्रीन पर इस समय हम देख पा रहे हैं, इसमें बलवंत साहब आप इनको कैसे राय देंगे? ये जो होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस समय प्रेजेंट मार्केट में जो सिनेरियो है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स की जो मूवमेंट है अभी हमने देखा है, RBI की पॉलिसी में इसमें स्टेटस को रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आगे चलते हुए अगर इसमें ऐसे डिप होता है तो फिर किस तरह से इनको ये प्लान करना चाहिए? अगर हम ये मानकर चलें कि बाकी सब जो फैक्टर्स हैं वो एकदम स्मूथ हैं, तो इनको किस तरह से इस पर कॉल लेनी चाहिए? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि भले ही RBI ने अब की बार रेट कोई चेंज नहीं किया, पर जो जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो सॉफन होने की तरफ है, तो जब इंटरेस्ट रेट साइकिल सॉफन होने की तरफ हो तो हमेशा व्यक्ति को फ्लोटिंग रेट का ही लोन लेना चाहिए। और चूंकि आज की तारीख में होम लोन पे जो फ्लोटिंग रेट पे जो फ्लोटिंग लोन पे जो इंटरेस्ट है और जो फिक्स पे है, फिक्स पे प्रीमियम है, फिक्स पे 1-1.5% ज़्यादा लगता है, पर जब भी बेस रेट कम हो जाती है बैंक की तो वो फिक्स रेट वाला जो लोन है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होती है, तो इनको तो फ्लोटिंग रेट वाला ही लोन लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से फ्लोटिंग में आजकल 30 लाख तक का जो लोन है उसमें 10% का रेट है, और 30 लाख के ऊपर है उनको उस पर 10.75 करीब सब बैंक की रेट है। अगर इनका जो पुराना अगर रीपेमेंट हिस्ट्री वगैरह अच्छा है तो इनको 10.5-30 लाख तक का चाहिए तो, और 11.5 से ज़्यादा का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए और उनको देना भी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। और अगर आपका कोई और कोई लोन जो रनिंग है तो फिर आप ये मान के चलिएगा जो आपकी अर्निंग है, मतलब 50% राउंड अबाउट EMIs दोनों लोन्स की कंबाइन होकर उस फॉर्मेट में ही जाएंगी, उससे अधिक नहीं, लेकिन फिर भी जो ऑफर्स हैं हम स्क्रीन पर आपके समक्ष रख रहे हैं, इस तरह से ये कुछ ऑफर किया जा रहा है और जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट साइकिल है जिसमें आगे चलते हुए नरमी रह सकती है, अभी फिलहाल तो इसको एज इट इज़ बरकरार रखा गया है, तो उसके तहत आप जिस तरह से रणनीति बनाएं वो आपके समक्ष रखी गई है।